फ्री इकोनॉमी बने। आप मुझे बताइए कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? जी नहीं, आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप थ्री इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा, मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 for 2047। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस, मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा उनसे एसपीजी की लोग फोटो ले लेना। आप हाथ नीचे करो बेटा, वो ले लेंगे। अब आप हाथ थक जाएगा आपका। अरे बाबा, साथियों, जिस कांग्रेस का एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है, उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सके तो जवाब देना। जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में
जो उनकी पहचान बनी है वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया। हालत ये हो गई है कि विधायकों को विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का पैसा तक समय से नहीं मिल पा रहा है और यहां के सरकारी कर्मचारी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं क्योंकि भारत सरकार के पास इनकी अंदरूनी जानकारियां होती है और मैं आपको चेतावनी चौंकाना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब कर्नाटक सरकार यहां के सरकारी मुलाजिमों को पेमेंट तक नहीं दे पाएगी, पेमेंट तक नहीं दे पाएगी। आपके बच्चे भूखे मर जाए ऐसी स्थिति ये लोग पैदा करके रखेंगे। जनहित की ऐसी कोई योजना नहीं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का शिकार न हुई और इसलिए तो देश के सभी अनुभवी लोग कहते हैं, इतिहास भी कहता है, कांग्रेस आई तबाही लाई, कांग्रेस आई तबाही लाई। साथियों, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार नहीं चला रही है, कांग्रेस पार्टी यहां वसूली गैंग चला रहा है, वसूली गैंग चला रहा है। पूरी सरकार इसी प्लानिंग में लगी हुई है कि कहां से वसूली हो, खजाने में पैसा आए और उसको लूटकर अपनी तिजोरी भरे। हमारा कर्नाटका और बेंगलुरु, जिसे दुनिया में टैक हब पर जाना जाता है, टैक हब के रूप में पूरे विश्व में हमारे कर्नाटका ने देश का नाम ऊंचा किया। आज कांग्रेस सरकार ने ये टैक हब को टैंकर हब बना दिया, टैंकर हब बना दिया। पानी के लिए टैंकर माफिया लोग मनमानी वसूली कर रहे हैं और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन कांग्रेस इतने से संतुष्ट नहीं है। ये लोग 2G स्कैम जैसा लाखों करोड़ के घोटालों वाला स्कैम करने के लिए सपने देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, 7 मई को कर्नाटका को लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चून चून करके कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे, पूरे कर्नाटक में कर देंगे, हमारे बागलकोट में भी कर देंगे, पूरे इस क्षेत्र में कर देंगे। साथियों, मोदी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड को लेकर आता है। हमने कर्नाटका और उस क्षेत्र के लिए इतना काम किया, ये भी आपके सामने।
हमारी सरकार कर्नाटक में कई एयरपोर्ट बना रही है, इनमें से एक बीजापुर में भी तैयार हो रहा है। बागलकोट रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बागलकोट से गुजर रहे नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। इससे बादामी, पट्टदकल और आईहोले जैसे ऐतिहासिक जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मोदी ने उस वर्ग की चिंता की है जिसे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। आज ये लोग बयान देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं एक झटके में गरीबी हटा देंगे। अरे 60 साल हो गए, तुम कुछ नहीं कर पाए यार, क्यों ऐसे दावे मार रहे हो? इनकी कई पीढ़ियां इस बात का गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही है। करोड़ों परिवार इस देश में जीवन की मूलभूत जरूरतों से वंचित हैं। उनके दुख, उनकी तकलीफ से कांग्रेस और उनके साथियों के कोई वास्ता नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी के आने के पहले हमारे देश में 18,000 विलेज ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, 18,000 गांव। आप सोचिए 21वीं सदी में 18,000 विलेज, करोड़ों लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था, जानवरों का खतरा रहता था। कितनी पीढ़ियों तक बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी तक नहीं मिली। लेकिन जब मोदी को आपने अवसर दिया तो गांव तक बिजली पहुंचाने का समय सीमा में संकल्प लिया, पूरा कर लिया। और उस समय ये लोग मजाक बनाते थे कि पहाड़, रेगिस्तान, जंगल हर जगह से गुजरकर गांव-गांव बिजली पहुंच कैसे सकती है। लेकिन आज देश का ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली न पहुंचे। इसी तरह हमने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले देश में केवल 16% घरों में, 16% घरों में नल से जल का कनेक्शन था। 16%, आजादी के इतने सालों के बाद भी सिर्फ 16%। मोदी ने 5 ईयर्स में 75% से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचा दिया। 70 ईयर केवल 3 करोड़ कनेक्शन और 5 ईयर में 11 करोड़ कनेक्शन। ये काम मोदी करता है। क्या ये काम मोदी के आने पहले हो नहीं सकता था क्या? वही सरकार, वही नियम, वही फाइलें, वही दफ्तर, आप नहीं कर सकते थे? मोदी ने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि देश कैसे लोगों के हाथ में देना है। भाइयों बहनों, काम हो सकता है। जब कांग्रेस को गरीब की, वंचित की रत्ती पर थोड़ी सी भी चिंता हो, लेकिन कांग्रेस को कभी गरीब की, वंचित की, दलित की, पिछड़ों की उनको परवाह ही नहीं थी। साथियों, कांग्रेस का यही रवैया
हमारे बॉर्डर विलेजेस से लेकर रहा, सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस सरकारें जानबूझकर विकास से वंचित रखती थी, वो इसे अपने रणनीति का हिस्सा बताते थे। यानी करोड़ों लोगों को कांग्रेस ने अपनी राजनीति के तहत बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था। मोदी ने ये विकास विरोधी सोच बदली, हमने सीमा पर बसे गांवों को आखिरी नहीं देश का पहला गांव कहना और उसको उस प्रकार से ट्रीट करने का निर्णय किया। आज विकास देश के हर पहले गांव तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की विकास विरोधी मानसिकता का बड़ा बोझ हमारे एससी एसटी समाज भी को उठाना पड़ा। एससी एसटी समाज के लोग विकास से सबसे दूर थे। हमने आज पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। 55 करोड़ गरीबों के पहली बार बैंक में खाते खुल गए। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उन्हें धुएं से आजादी मिली। इनमें से सबसे बड़ी संख्या एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों की है। आज शिक्षा से लेकर रोजगार तक सरकार की योजना का बहुत बड़ा लाभ इस वर्ग को मिल रहा है। साथियों, बीजेपी कर्नाटका के विकास में अपनी पूरी ऊर्जा लगाती है, लेकिन कांग्रेस हमारी योजनाओं को रोकने में पूरी ताकत लगाती है। हमने बागलकोट की इलकल साड़ी को उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया, ताकि यहां के बुनकरों को, जिन्हें आप नेकारा कहते हैं, उनकी इनकम बढ़े। लेकिन कांग्रेस हमारे बुनकर भाई बहनों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे। साथियों, यहां भी मंच पर हमारे येदुरप्पा जी भी है, उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसानों का ही बीजेपी की प्राथमिकता रहा। हमने हाल ही में शुगर कैन का मूल्य बढ़ाया है, इथेनॉल के जरिए हम गन्ना किसानों की इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर्नाटका सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को रोककर पानी का संकट खड़ा करके किसानों को परेशानी में डाल दिया।